नीम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। देखिए, ये कुछ कहना या एक्सपीरियंस शेयर करना और कुछ भी नहीं, जो जो किसी के साथ बीत रहा है वो सब लोगों से जो है शेयर करते हैं। लेकिन वो शक्तियों की कृपा तो पल पल के लिए है, हर पल हरेक के ऊपर जारी होती है। जैसे जैसे कोई चल रहा होता है उसी तरह से वो कृपा भी जारी होती है। कुछ एक चीज़ें जो हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हट के ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि उस कृपा में कमी आए, क्योंकि वो जो कुछ भी पहले कहा गया है या टीवी में आपने सुना है, तो वो सच्चाइयाँ अटल हैं, उन शक्तियों की हैं, वो कभी बदलती नहीं है। तो जो उस अनुसार एक समान चलता रहता है, तो वो शक्तियों की कृपा भी उसी तरह से चलती रहती है। और उनको सब कुछ पता होता है, क्या किसी की इच्छा है, कहाँ से उसका पेमेंट आना है या कहाँ उसकी प्रमोशन है, कहाँ ट्रांसफ़र है, कहाँ ये है, कहाँ वो है। तो उनका तो बहुत समुंदर की तरह हिसाब किताब होता है, उससे भी बढ़ के होता है कहना चाहिए। वो हरेक, चाहे वो करोड़ों लोग हों, तो लेकिन जो भी जुड़े होते हैं तो वो उनके साथ वो शक्तियाँ बिल्कुल कृपा करती हैं और उनके सारे दुख भी हर लेती हैं और काम भी उनके उसी तरह से बनते हैं। लेकिन वो कमी कब आती है? जब आदमी के मन में दुविधा आती है, जब वो कुछ दिमाग इस तरह का चलने लगता है, कुछ अहम आ जाता है, और जब उन पर भरोसा रहता है तो वो सारी दुनिया भी अगर साथ छोड़ जाती है वो कभी नहीं छोड़ते। और चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, लेकिन फिर भी वो उसमें से ऐसे निकाल के ले जाएंगे कि आदमी को महसूस भी नहीं होगा कि कोई परेशानी आई थी। लेकिन जब वो भटक जाता है या ऐसे उपायों में लग जाता है या कोई गंदे तावीज़ या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हम कई बार बता चुके हैं कि नहीं रखनी है, जब उन तरफ बढ़ता है तो वो कृपा रुकती है। लेकिन साथ में कुछ कर्म जो हैं वो भी मैच करने चाहिए कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, परिवार के लिए क्या कर रहे हो। तो ये सारा एक कम्बिनेशन है, चाहे वो पूजा का है, चाहे वो दो मिनट की पूजा है, अगर सच्चे मन से करते हैं तो वो कृपा आती है। और जैसे ही आप कुछ और साथ में करने लगते हो, देवी शक्तियों को जो है सोचो कि हम उधर भी कर लें इधर भी कर लें, तो वो कृपा नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ जिनको आपने मंदिर में सजा के रखा है, जिनको मानते हैं, जो शक्तियां देवी शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो उनको जब आप उनका मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हाथ जोड़ना भी पूजा है, अगरबत्ती करना भी पूजा है, वो तो भावना देख रहे होते हैं। और जब वो भावना से की जाती है तो वो समझ लिए कृपा वो उसी पल शुरू हो जाती है। और चाहे किसी तरह का कुछ भी काम रहे, वो एक एक चीज़ कहने सुनने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को ये दिल की तसल्ली ज़रूर होती है जो यहाँ भी आते हैं कि बाबा ने कुछ बता दिया या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए उनका कृपा का रूप है। और वो बिना कहे भी सब कुछ जान रहे होते हैं और वो उसी तरह से वो शक्तियाँ कृपा कर रही होती हैं। लेकिन जो जो चीज़ें हम कन्वे करते हैं टाइम टू टाइम, तो वो चीज़ें फॉलो जरूर करनी होती हैं। और अगर कोई उसमें चूक जाता है तब थोड़ी कमी उसमें आती है, और जब कोई जानबूझ के ऐसा करता है, अनजाने में कोई गलती होती है, तब भी वो साफ करते रहते हैं। लेकिन अगर जानबूझ के ये जानकारी भी हो जाए कि हाँ मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो करे, तब जरूर उस चीज़ का जो है अफेक्ट पड़ता है और वो कृपा रुकती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भक्तों पर ऐसी कृपा जाए जो कि कभी ख़त्म ही ना हो। तो वो रास्ते पर चलना होता है, चाहे किसी के काम किसी भी हालात में होंगे यहाँ आने से पहले,
तब भी वो शक्तियों की कृपा शुरू हो जाती है, इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ भावना चाहिए। और जो ये समझ जाता है तो वो उन शक्तियों की कृपा को पा लेता है, और हमारा मकसद सिर्फ वही राह दिखाना है जिससे कि वो कृपा आए। प्रणाम बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए हो? बाबा जी मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से? मेरे साथ मेरी भाभी है, मैं खास करके उनके लिए आया हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है जो आज से 26 साल पहले घर छोड़ के चला गया। उस वक्त मेरे भाभी को एक लड़का हुआ था, वो लड़का 24 साल का हुआ। 8 मई 2011 को उस लड़के की मैंने शादी करवा दी, और 7 जून 2011 को वो लड़का काम पे जाता हो बोल के गया, तो आज तक वो घर पे आया नहीं है। ना मेरे भाभी को, ना उसके शौहर का, पति का सुख मिला, ना अपने बेटे का सुख मिला। तो हम ये चाहते हैं बाबा जी कि बस मुझे अपना नहीं चाहिए, कम से कम मेरे भाभी को। आप जाके बैठ जाओ, उनको भेज दो आगे। आप ये बताओ कि शिरडी गए कभी? हाँ गए थे। कब गए थे लास्ट? बहुत दिन हो गए जाके। ऐसा है कि साल में कम से कम 2 या 3 बार शिरडी जाना शुरू करो, आपके दुख दूर होने शुरू हो जाएंगे। गुरु माँ और बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए हैं? बाबा जी मैं अंबिका सैनी गुड़गांव से आई हूँ। अच्छा, ये कड़ी बड़ी सामने आ रही है अभी। बाबा जी कल ही खाई थी। कल खाई थी, अब उसी तरह बना के कड़ी चावल जो है खुद तो खा लेना, 2-4 गरीबों में बांट देना। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी को सत सत प्रणाम। मैं सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। सतना मध्य प्रदेश से? ये बताओ कि आप भैरव मंदिर गए कभी? भैरव मंदिर काफी दिन हो गए बाबा। कितने? जब वैष्णो देवी गया था मैं, भैरव बाबा गया था। उसके अलावा भी कोई भैरव मंदिर का पता है आपको? बाबा सतना में लोकल में है बाबा, वहाँ गया। वहाँ कब गए? वहाँ अभी 1-2 महीने हो गए। वहाँ गोलक में क्या डाला था? 10 रुपये डाले थे बाबा। अब जाके 50 रुपये डाल देना, तब भैरव की कृपा आनी शुरू होगी। जब बैठ जाओ। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? बाबा जी मैं रहने वाला यूपी का हूँ और रहता हूँ यहाँ लुधियाना में। अच्छा, ये तुम दूध कौन सा पीते हो भाई? दूध डेयरी का पीते हैं बाबा जी। ये गाय बार बार क्यों आ रही है? गाय दरवाजे पे रोज आती है, खिला देते हैं रोटी, कभी मैं खिला देता हूँ, कभी बच्चे खिला देते हैं, कभी वाइफ खिला देती है। ऐसा है कि घास 1-2 बार खिला देना, गाय की कृपा चल रही है। और ये भैंस कहाँ देखी भाई? भैंस बाबा गांव में थे पहले, हम नहलाते लाते थे बचपन में, और घास वास खिलाते, क्यों पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, भैंस का सेवा करते थे, और 14-15 साल की उम्र में फिर लुधियाना आ गए थे। अब ऐसे करना, एक बार तो गाय को खिला देना, एक बार भैंस को भी कुछ खिला देना, तुम्हारी दोनों ही आ रही है। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा चरणों में वंदना। भाई कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली से आया हूँ जी, ये दूसरा समागम है मेरा। अच्छा, ये गमले कहाँ आपने देखे भाई? गमले बहुत आ रहे हैं। गमले लगे हैं बाबा ऊपर छत पे। क्या लगा रखा है उसमें? तुलसी जी है, कमल है, गुलाब है, गेंदा है। आप अपने हाथों से पानी देते हैं कि नहीं? हाँ जी देता हूँ कभी कभी, क्योंकि आपकी कृपा वहाँ से काफ़ी आएगी। बेटर है कि हमेशा ना सही, लेकिन बीच में जरूर देते रहे कि ये। और तुलसी जी, जो तुलसी भी लगा रखी है? हाँ जी हाँ जी। उनकी पूजा करते हैं? नहीं अब तो नहीं करते बाबा जी। उनको हाथ जोड़ दिया हाथ, करो हाथ जोड़। हाँ तो बल्कि बेटर तो यह है कि 2 बार जो है आप अगरबत्ती भी कर दो। आपकी पूजा स्वीकार हो रही है तुलसी का जो है। किसी भी दिन बाबा? किसी दिन मर्जी कर लीजिए बाबा। बहुत दुखी हूँ, सब घर में परेशान है। कृपा आनी शुरू हो जाएगी, दुख भी दूर होने शुरू हो जाएंगे। बाबा जी को मेरे और मेरे परिवार तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं उत्तराखंड से आया हूँ। भाई एक चीज आप बताइए कि आपने चॉकलेट खाई कब, खरीदी कब और देखी कब?
चॉकलेट तो आज से एक हफ्ते पहले दीप बच्चन को दी। ऐसा है कि अब दो चार चॉकलेट लेके ना गरीब बच्चों में बांट दीजिएगा, उससे काफी आपकी कृपा आ रही है। कृपा का अनुभव मेरे और मेरे परिवार से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी भाई कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से उत्तम नगर से आई हूँ बाबा जी। आपने कभी नवरात्रे रखे? आज तक नहीं रखी हूँ, इस साल रखूंगी। माता का श्रृंगार कभी चढ़ाया? जी चढ़ाती हूँ। लास्ट कब चढ़ाया था? कीर्तन करवाई थी घर में तो उसमें चढ़ाई थी, लड़की की शादी थी फरवरी में। तो उसमें लिपस्टिक चढ़ाई थी? जी सारे कुछ चढ़ाई थी। कितने वाली थी? 10 रुपए वाली थी सर। अब इस बार जो है अच्छी वाली लेके माता के किसी भी मंदिर में चढ़ा देना, तब कृपा निश्चय हो जाएगी। जी बाबा जी। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल दरबार की जय। बाबा मेरा नाम रोहित चौहान है, मैं द्वारका दिल्ली साथ से आया हूँ। बाबा मैं दो तजुर्बे आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा। बाबा पहले मैं अपनी माँ के द्वारा यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने माँ को एक बार अपनी 500 रुपये दिए, कहा कि बाबा के दरबार में चढ़ा देना। और बाबा अगले दिन मेरे पास रियल स्टेट डेवलपर का फ़ोन आया, एक नहीं दो आया। और मेरे को यकीन नहीं हुआ, ने बार बार पूछा कि आपने बाबा के दरबार में चढ़ाया, कहता कि हाँ मैंने चढ़ाया है। और बाबा अगले साल आपके जन्मदिन पर मैंने द्वारका पे के लिए एक मकान चुना है, मैं उस मकान में प्रवेश करना चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए बाबा कि मेरे वो इच्छाएं पूरी हों, मेरी रुकावट दूर कीजिए। और बाबा मैं एक साल में करीब 7-8 नौकरी मैंने बदली है, पर जब मेरी माँ ने हम मन्नत मांगी करीब 14 महीने मैंने कंप्लीट किए बाबा। और मेरी पिताजी और माताजी पे कृपा बनाए रखे बाबा, दीदी जियारी यदिका देवी पे और मुझ पे कृपा बनाए रखे बाबा। जय हिंद, जय निर्मल दरबार बाबा। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल बाबा जी के चरण कमलों में कोट कोट प्रणाम। बाबा मैं ब्रजेश यादव डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बाबा मैं पिछले 2 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, यह मेरा 5वां समागम है। बाबा जी जब से मैं दरबार से जुड़ा हूँ, दरबार से जुड़ने के बाद मैंने PCS प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है बाबा जी। मेरा इंटरव्यू होने वाला है बाबा जी, कृपा करें कि प्रॉपर PCS के लिए मेरा चयन हो जाए और मैं निर्मल दरबार के सभी मानदंडों पर खरा उतरूं। बाबा जी के चरण कमलों में कोट कोट प्रणाम। जय निर्मल बाबा जी की। मैं बीना विकासपुरी दिल्ली से आई हूँ। लास्ट समागम में मैं आपके पास अर्जी लगा के गई थी, मेरी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी हुई है और उसकी वैसे ही मेरी छोटी बेटी पे भी कृपा करना और मेरे बेटे पे भी बाबा जी कृपा करो, कृपा करो बाबा। निर्मल बाबा आपको कोटि कोटि नमन। बाबा जी मेरा ये 3रा समागम है। बाबा जी बहुत परेशानियों से गुजरा हूँ मैं, लेकिन जब से आपके दरबार से जुड़ा हूँ बाबा, आपकी कृपा बहुत आ रही है बाबा, कृपा अपार बरस रही है बाबा जी। बहुत तरक्की कर रहा हूँ अपने काम में बाबा जी, बस ऐसे ही मेरे और मेरे पूरे परिवार पे बाबा अपनी कृपा बनाए। बाबा जी मेरे छोटे भाई पर कृपा करिए। प्रणाम निर्मल बाबा जी। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा यही है कि आज जो मेरी गोद में मेरी बच्ची है ये आप ही की देन है। बस साल भर मैंने आपके आगे हाथ जोड़ी, कृपा मांगी, तो आज मेरे हाथ में मेरी बेटी है जो कि 10 तारीख को 1 साल की हो जाएगी। बाबा जी बस हमारा छोटा सा परिवार है जो कुछ परेशान चल रहा है। बाबा जी आपको सब पता है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। प्रणाम बाबा जी। निर्मल बाबा जी मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। आपका
बहुत कृपा हमारे ऊपर आ रही है। मैं बहुत साल से आपका भक्त हूँ बाबा जी, बस आपसे कृपा है कि हमारे पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। मेरी सिस्टर भी आई है, उन पर भी आप कृपा करें, वो बहुत परेशान है, उन पर कृपा करें। बाबा जी, मैं संतोष कुमार देवगुरी जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा ये चौथा समागम है। मैं जनवरी 2012 से आपसे जुड़ा हूँ टीवी के माध्यम से और कुछ परिचितों के माध्यम से। और जी, मेरे आपने आशीर्वाद से पूरा घर, सब पैसे, हर प्रकार से संपन्न हूँ। बस मेरे बच्चों की पढ़ाई का मैं चाहता हूँ, मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो। थोड़े भटक गए हैं वो पढ़ाई में, वो पढ़ाई उनकी अच्छी हो जाए। और मेरे पत्नी के बड़े भाई साहब, उनकी बड़ी दीदी, सब आए हुए हैं। वो भी, उनका चौथा समागम है, वो भी आपके परम भक्त हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं। उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए और मेरे परिवार को भी आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम बाबा जी, मैं लुधियाना से आई हूँ बाबा जी। मेरा ये पहला समागम है बाबा। बाबा, मैं देखती थी हर रोज टीवी में कि बाबा जी मुझे भी बुलाओगे। बाबा जी, आपने मुझे महीने के अंदर ही बुला लिया बाबा। बाबा, मैं जो मांगती हूँ बाबा, आप वो सब कुछ देते हैं बाबा। मैंने रेंट के लिए घर मांगा था बाबा आपसे। बाबा, आपने तो मुझे फ्री घर रहने के लिए दे दिया बाबा, 3 मंजिली बाबा। बाबा, मेरी बच्ची भी आई हुई है बाहर बाबा, उस पर कृपा करना, मैं उसके लिए आई हूँ बाबा। वो जहाँ चाहती उसकी वहीं शादी हो बाबा, ना उसकी जॉब छूटे ना दुश्मन छूटे बाबा। इतनी कृपा करना उस बच्ची पर बाबा, आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। निर्मल बाबा जी के चरणों में घनश्याम चौधरी सुपौल बिहार का कोटि कोटि प्रणाम। मैं 2007 से प्रयाग ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जो कि इस 2013 में अप्रैल में वह बंद हो गया। उसके बाद मैं बिल्कुल बेरोजगार हो गया। इससे पहले मैं आपका समागम 2011 से ही देख रहा हूँ। 25 अगस्त को मैं समागम में भी आया था और उसके बाद मेरा घर बन गया। मुझ पर कृपा करें बाबा, मुझ पर कृपा करें। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी, मैं ओडिशा से आई हूँ, ये मेरा चौथा समागम है बाबा जी। बाबा जी, इस दरबार से 2 साल से जुड़ी हूँ। तंत्र मंत्र से इतनी परेशान हूँ बाबा जी कि पल पल आपका नाम लेकर जीती हूँ बाबा जी। इतने बड़े बड़े संकट आते हैं बाबा जी, सिर्फ आप ही मेरी रक्षा करते हो बाबा जी। बाबा जी, इतनी कृपा है कि बाबा जी मेरे घर में बहुत शांति आ गई है बाबा जी, और जो थोड़ी बहुत है दूर कर दो बाबा जी। मेरे बच्चे पढ़ाई से ध्यान हटा रहे हैं बाबा जी, उनको पढ़ाई में मन लगाओ बाबा जी, और ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अच्छे से फ्लाइट में जाकर मेरे घर में खुशियां भर सकूं बाबा जी। बाबा जी, आपकी कृपा अपार है बाबा जी, कृपा करो मेरे बाबा, कृपा करो। मेरे परिवार और मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम बाबा। पहले मैं बहुत बीमार थी बाबा, अभी मैं ठीक रहती हूँ बाबा। मेरे बेटी नाती है बाबा, वो बात नहीं करता बाबा। 2-2.5 साल का था तब वो बात करता था बाबा, अभी वो 10 साल होने जा रहा है बाबा। उसके ऊपर कृपा करो बाबा, कृपा करो मेरे परिवार पर, कृपा करो बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार, 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji।